पिछले साल लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक गई। अब बच्चे पढ़े कैसे क्योंकि स्कूल बंद हो गए। काफी चैलेंजिंग टाइम था। मेरा नाम मुन्ना बिरनवार है, मैं प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा नाम अनमोल बिरनवार है, मैं नागपुर में MSc कर रहा हूँ। हम गोंदिया जिले में एक छोटा सा गांव है पारडीवान नाम का, वहीं पर रहते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो लगा कि ये हमारा अपने गांव के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो उठाने का समय है। एक साल पढ़ाई छूटने से क्या लॉस होता है ये मैं समझ सकता हूँ। किसी को नौकरी के लिए जाना होता है, किसी को हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना होता है, तो सारा प्लान चौपट हो जाता है। तो बच्चों का साल बर्बाद नहीं जाने देंगे और उनको फिर घर पे बुला के ही पढ़ाएंगे, ये हमने सोचा। पर कुछ दिन बाद मेरा कॉलेज और मुन्ना का ऑफिस शुरू हो गया, इस वजह से हमें वापस नागपुर आना पड़ा। हम तो शहर आ गए लेकिन गाँव के बच्चों को अब कैसे पढ़ाए। गांव में नेटवर्क ही कहाँ था जो हम बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते थे। लेकिन अपने गांव के भविष्य के लिए कोई तरीका तो निकालना ही था। मुन्ना ने हमसे कांटेक्ट किया, पारडीबंद गांव में नेटवर्क की बहुत दिक्कत थी। गांव का सर्वे करके विद इन 2 वीक्स हमने टावर इंस्टॉल कर दिया। एयरटेल का नेटवर्क आते ही बच्चों को हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से लेके टॉपिक्स गूगल करने तक हर एक चीज सिखा रहे हैं। अब तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटरनेट आने से एक परेशानी हमेशा के लिए आसान हो गई, इस गांव ने डिजिटल चीजें सीख ली। छोटा सा गांव है हमारा और यहाँ के लोगों के सपने बड़े हैं। बड़े हो गए मुझे इंजीनियर बनना, IPS टीचर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, पायलट।